फ्रेंड्स, नित्यानंद ऑटो जून में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला था, वो देखने के बाद जो मेरा पहला कस्टमर है उसका फ़ोन आया था, जो वैगनार गाड़ी है उनको सर्विस कराने का। जैसे कि मैं पैकेज बताया उनको तीनों सर्विस का, तो वो कॉम्प्रेसिव सर्विस बोले, तो उसके लिए हम लोग अभी पिकअप के लिए निकले हैं, मैं और चंद्रकांत भाई हूँ। हेलो, हाय। तो वहाँ पे अभी पिकअप करेंगे, उसके बाद जो काम करेंगे आगे वीडियो देखिए, उसमें पूरा आएगा आपका। वैसे जैसे कि देखेंगे, जो लोकेशन भेजा था सर, हम लोग वो लोकेशन पे पहुँचे हैं। ये बिल्डिंग का लोकेशन भेजा था। तो गाइस, जैसे कि देखेंगे सर जो है आ चुके हैं यहाँ पे, और जो वैगनार गाड़ी है कुछ यही गाड़ी है वैगनार। तो गाइस, जैसे कि बताऊंगा, सर बोले कुछ इसमें आवाज़ आ रहा है, तो सर के साथ एक ट्रायल मारेंगे, क्या आवाज़ है ना वो भी बताएंगे। आवाज मेरे को आता था, ऐसा लगता था जैसे कोई चीज किसी चीज से टकरा रहा है ना, हल्के हल्के। इसका इंजन माउंटिंग हो रहा है, ये क्या होता है? इंजन की जो तुम फाउंडेशन देते हैं। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि बताऊंगा, गाड़ी पिकअप कर लिया हूँ। गाड़ी तो गाइस, जैसे कि देखेंगे गाड़ी वर्कशॉप पे लेके आया हूँ, और इसका सर्विस सभी चालू कर रहे हैं। उसके बाद जो भी सस्पेंशन का काम है पूरा करेंगे, क्या गया हुआ है वो भी बताएंगे। तो गाइस, जैसे कि देख रहे, कॉम्प्रेसिव सर्विस में सबसे पहले हम लोग जो इंजन फ्लेशर रहता है वो इंजन में डालते हैं, और इसको डाल के कम से कम 4-5 मिनट के लिए चालू रखते हैं। इसका जो ऑयल फिल्टर रहता है, ये देखो जूना वाला ऑयल फिल्टर ये रहा, और ऑयल इसका ड्रेन कर दिया हूँ मैं, देखो। ये खोल के इसमें नया वाला ऑयल फिल्टर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि देखेंगे, इसका जो एयर फिल्टर है ये उनका जूना वाला एयर फिल्टर है, ये देखो, और ये हम उसमें नया वाला एयर फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये ऑयल फिल्टर वो देखेंगे, ये देखो, ये ऑयल फिल्टर उनका जूना वाला है, और ये नया वाला ऑयल फिल्टर। जैसे कि देखेंगे, इसका जो बैटरी का पानी है वो भी चेक करते हैं, अगर इसमें कुछ कम हुआ रहेगा तो हम लोग टॉपअप करते हैं। जैसे कि देखेंगे, इसका जो एसी फिल्टर था, ये देखो, पूरा चौकअप हो चुका है, हम लोग इसमें नया एसी फिल्टर डाल रहे हैं, ये देखो, ये नया एसी फिल्टर है। इसमें जो हम लोग ऑयल डालते हैं मोबिल का 5W30 का ऑयल डालते हैं इसमें,
बताया था इसका सस्पेंशन का जो पार्ट गया हुआ है, कस्टमर ने बोला काम करने के लिए, तो दिखाऊंगा पार्ट किस तरह से हम लोग खोलते हैं। उसके बाद जैसे कि देखेंगे इसका स्टेयरिंग कॉलम सबसे पहले खोला जाता है, तो जैसे ही स्टेयरिंग कॉलम खोलेंगे स्टेयरिंग को हम सीधा रखते हैं कुछ इस प्रकार। और इसका जो बोल्ट है ये देखो 12 नंबर का बोल्ट, इसके ऊपर एक कैप लगा रहता है, देखो कुछ इस तरह से कैप रहता है, मैं कैप निकाल दिया हूँ। ये 12 नंबर का बोल्ट यहाँ से और ऊपर से, यहाँ से इसको सिर्फ लूज करेंगे हल्का सा और यहाँ से खोल के ऊपर ले लेंगे। दोनों जो टायर है आगे का वो टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, पूरा सीधा रहना चाहिए वो। सबसे पहले खोलने के लिए जो ये देखिए ये स्टेयरिंग का स्टेयरिंग एंड है जो यहाँ पे हब पे फिट रहता है, हम ये खोलेंगे। उसके बाद ये सॉकअप है, ये देखिए ये सॉकअप का ये दो बोल्ट रहता है, एक नीचे एक ऊपर, ये खोलेंगे। और ये जो ब्रेक का जो ये पाइप है इसमें भी एक बोल्ट रहता है 12 नंबर का, वो भी खोलेंगे उसको साइड करके। और नीचे नीचे देख रहे हैं ये जो लोरम का बोल्ट है ये एक खोलेंगे। तो गाइस जैसे कि देखेंगे सस्पेंशन चेंज करने के लिए हम लोग जो ये धारी होता है पूरा ओपन किए हैं, ये स्टीयरिंग रैक है पूरा, इसके जो साइड में रहता है ये देखो यहाँ पे जो रहता है वो बॉल जॉइंट फिट रहता है। और यहाँ पे टेरोडाइन हैंड, और ये जो देख रहे हैं ये लोरम है, इसका ये बूस्ट कट गया, तो हम लोग पूरा जो ये लोरम है पूरा चेंज करेंगे। में जो पार्ट गया हुआ था हम लोग ओपन किए हैं, ओपन करने के बाद जो ये नया पार्ट जो मार्केट से मंगाए, देखो MGP का पूरा पार्ट मंगाए, ये इसका लोडम हो गया, ये फाउंडेंशन जिसको माउंटिंग बोलते हैं माउंटिंग हो गया, और ये फ्रंट सॉकअप और रियल सॉकअप, टैरोड एंड बॉल जॉइंट, और ये जो है ये कैलिबर पिन है जो हम लेत वाले के पास भेज दिए हैं बुशिंग करने के लिए, और ये इनका पीछे का वाइपर आर्म पूरा। और ये जो देख रहे हैं ये जो था इनका जूना पार्ट है, दिखाएंगे हम किस तरह से इसका जो ये जूना पार्ट है चला गया था, ये देखो ये भूस से पूरा कट गया था, और ये शॉकअप पूरा लीक हो गया था। जैसे कि सर्विस और सस्पेंशन का काम था वो तो पूरा हो चुका है, और इसमें जो इनका वाइपर ब्लेड था वो सही से साफ़ नहीं कर रहा था, तो ये मेरे YouTube की तरफ से देख के आया था, तो इनको जो ये वाइपर ब्लेड है देख रहे हैं ये मैं फ्री में इंस्टॉल करके देता हूँ।